रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज 131वीं जयंती पर संस्था यूनिट फॉर सोशल जस्टिस द्वारा ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित वृंदावन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में IAS, IPS, IAFS, जज डॉक्टर इंजीनियर अतिथि के रूप में मौजूद रहे और छात्र छात्राओं और उनके भविष्य के लिए मोटिवेशन व करियर गाइड्स भी दिया। इसके अतिरिक्त बच्चों का भाषण प्रतियोगिता भी रखा गया। विजेता को नगद इनाम दिया गया और साथ ही सभी प्रतिभागियों को पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। देखिए, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि हमारे आइडियल हैं, हम भारत रत्न नहीं कहते, विश्व रत्न कहते हैं, उनके जन्म दिवस को हम लोग ज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ने लिखने वाला असरदार व्यक्तित्व अगर कोई है तो वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। बराक ओबामा साहब ने कहा था, यदि अमेरिका में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जन्म हुए होते तो हम उन्हें सूर्य कहते। इस प्रकार बाबा साहब जो है ना, ज्ञान का प्रतीक है। इसीलिए आज 14 अप्रैल को हम लोग बाबा साहब के जन्मदिन को ज्ञान दिवस के रूप में मना रहे हैं। और चूँकि बाबा साहब हमेशा शिक्षा के ऊपर जोर दिया है, उन्होंने बेसिक 3 मूल मंत्र कहा था, किसी भी व्यक्ति, समाज और देश की प्रगति के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, वह एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, फिर संगठित रहो। तो शिक्षा के ऊपर हमने एक कार्यक्रम रखा है, बच्चों के लिए स्पीच कंपटीशन रखा है, और स्पीच कंपटीशन के साथ ही उसमें हमने हमारे जो जितने भी अतिथि आए हैं उनके द्वारा बच्चों को मोटिवेट, करियर गाइडेंस किया जा रहा है ताकि वो एक सफल व्यक्ति बने। और स्पीच कंपटीशन में हमने प्रथम पुरस्कार रूप में 5,000 रुपये रखा है, दूसरे पुरस्कार के लिए 3,000 हैं एवं तृतीय पुरस्कार के लिए 3,000 हैं, एवं जितने भी प्रतिभागी आए हुए हैं सभी को पाठ्य पुस्तक सामग्री भेंट किया जाएगा ताकि उनके मनोबल बढ़ा रहे।